जय मसीह। जय मसीह। ऐसे जीवन कलीसिया में आप सबका स्वागत है। कृपया खड़े हो जाइए, आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपने हमें आज का नया दिन दिखाया, इसलिए धन्यवाद। हमें इस कलीसिया में आपने उपस्थित किया करके धन्यवाद। हमें प्रार्थना योग्य बनाए करके धन्यवाद। आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, हर एक बात के लिए मैं आपके हाथ में देती हूँ। मैं आपको, अपनी कलीसिया को आपके हाथ में देती हूँ। हमें अपने मार्गदर्शन पर चलना, अपने वचन समझने और आपकी स्तुति आराधना करने में हमें सामर्थ्य देना, समझ देना दी करके धन्यवाद। धन्यवाद। आज का समय, आने वाला समय मैं आपके हाथ में, मेरी कलीसिया को आपके हाथ में। धन्यवाद। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद। आमेन। आइए हम भजन संहिता पढ़ते हैं। भजन संहिता 91:1-8 वचन। जो बरक प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तो तुझे पहले के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है। तेरे निकट 1,000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास तो आएगा, परंतु तू अपनी आंखों की दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने जन आनंदित हैं? हम सब आनंदित हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रवेश। सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। इस दिन के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। आज का दिन आपने दिखाया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। सचमुच प्रवेश, आप महान प्रवेश, अति महान प्रवेश, आप पवित्र परमेश्वर प्रवेश। मैं आपकी स्तुति करती हूँ प्रवेश। आपके नाम को मैं ऊंचा उठाती हूँ प्रवेश, क्योंकि आप एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रवेश। प्रभु, मेरे ऐसे जो भी पाप अपराध हुए प्रवेश, उन सारे पापों की मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो। इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रवेश मुझे और हम सबको प्रवेश। यहाँ पे आपने एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। हर एक बुराई से, हर एक महामारी से आपने बचाया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। इस दिन को मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। इस कलीसिया से जुड़े हुए सबको प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ। जितने यहाँ आए हैं, जो नहीं आए प्रवेश, उन सबको प्रवेश आपके हाथ में देती हूँ। हम यहाँ पर है प्रवेश, हम सबके परिवार इंडिया में प्रवेश, उन सबके साथ आप रहना प्रवेश। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद प्रवेश। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप धन्यवाद की योग्य परमेश्वर प्रवेश। सब कुछ आपका है प्रवेश। हम आपको कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ धन्यवाद के अलावा हम कुछ नहीं दे सकते। हम दिल से प्रवेश, आत्मा और सच्चाई से आपको धन्यवाद देते हैं प्रवेश। आगे का समय हम आपके हाथ में देते हैं। हम स्तुति आराधना में जा रहे प्रभु, आप हमारे साथ रहें। पवित्र आत्मा आप हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। सारा आदर गौरव में मैं प्रभु यीशु में आपको देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन अब प्रभु पिता। आमीन आमीन। स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा, स्वागतम पवित्र आत्मा। तेरी ज्योति से हम प्रकाशमान हो जाते हैं, तेरी ज्योति प्रकाशमान हो जाते हैं। स्वागतम
पवित्र आत्मा स्वागतम पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य से हम प्रभु की सेवा करते सब स्तुति करने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, सब तैयार। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। तू ही सहारा, तू ही भरोसा, संगीत तू ही है भाषा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। सारे जग में तेरी प्रशंसा, यीशु ही जीवन, यीशु ही आशा। गाओ में गीत तेरे, तू ही सहारा।
मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो, मेरे प्रभु की महिमा हो, मेरे यीशु की महिमा हो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। उन्हें पापियों को क्षमा किया,
रोगियों को चंगा किया है प्रवेश, तूने मुर्दों को जिंदा ही किया, आनंद जीवन भी तूने हमें दिया है प्रवेश, तेरे पास सब कुछ है प्रवेश, तेरे द्वारा सब कुछ है प्रवेश, सच में प्रवेश, सब कुछ देने वाला तू परमेश्वर प्रवेश, धन्यवाद करते प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रवेश। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, करता हूँ मैं तुझसे
बचाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारू तू दौड़ आता है, जब मैं गिरू मुझे उठाता है। हाले हाले आत्मा, आप पवित्र आत्मा
जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको तू बदल दे, मेरे मन को दे आशीष इस जीवन को तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी महिमा से तेरी सामर्थ से फिर से तू अभिषेक कर दे। आ पवित्र आत्मा, 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 पवित्र आत्मा। धन्यवाद 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 स्वर्ग के पिता पुत्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आपका आज तक संभाल के रखा करके, धन्यवाद करती हूँ मुझे भी, मेरी बेटी मेरे परिवार को भी संभाल के रखा करके, धन्यवाद 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 करती हूँ। जितने मेरे बहन भाई है आपके आपके लिए हम लोग आए है यहाँ पे, हमारा रक्षा करना मेरे पिता परमेश्वर, हमारी रक्षा करना, सबको चंगाई देना, सबको जीवन देना, सबको शक्ति देना मेरे पिता परमेश्वर, जिसको काम नहीं उसको काम देना, जिसकी जो जरूरत है उसकी जरूरत पूरी करना मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद कर हमेशा को नए जीवन से भर देना मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 करती हूँ। मेरे बहन का, मेरे भाई का, मेरे छोटी बहन का परिवार, मेरे बेटी दामाद पोते को आपके हाथ में देती हूँ मेरा पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, आज तक संभाल के रखा करके, धन्यवाद करती हूँ, सबको आशीष करना, ब्लेस करना मेरे प्रभु, जिसकी तबीयत ठीक नहीं उसकी तबीयत ठीक करना मेरे पिता, जिसकी भी जो जरूरत है पूरी करना, नखुन से लेके पांव तो जिसके घुटने में, जिसके खांदे में, जिसके सर में, जिसके पांव में, जिसके बैग में, किसके पसली में, कम चंगाई देना मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से निकल देना, यीशु मसीह के नाम से निकल देना, धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर, कोटि कोटि धन्यवाद करती, सबकी रक्षा करना मेरे प्रभु, सबकी रक्षा करना, जिसकी भी जो जरूरत है पूरी करना, नए आत्मा से बल देना, आशीष करना, ब्लेस करना मेरे प्रभु, ज्ञान बुद्धि से बल देना, धन्यवाद 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 करती पिता परमेश्वर, मेरी बहन का बेटा सत्तु को आपके हाथ में देती हूँ, सबको आपके हाथ में देती हूँ, सबकी जरूरत पूरी करना, आपने मेरी छोटी बिनती सुनी, आशीष किया, ब्लेस किया करके, धन्यवाद 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 धन्यवाद, आमीन आमीन आमीन। तेरी मैं दिल से करूंगा आराधना।
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ के लिए आपके धन्यवाद करके आपके हर एक आशीष के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हमें आज इतना सामर्थ दिया कि हम खड़े होकर आपकी आराधना स्तुति कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ आपका। मेरे कलीसिया को आपने सामर्थ्य बनाया करके धन्यवाद, कलीसिया को आपने नई आत्मा से भर दिया करके धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन की सब बुराइयों को आपने नष्ट किया करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को अपने बुराई से छुटकारा दिया करके धन्यवाद करते, सभी को बीमारियों से चंगाई दी करके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हर एक को अपने रोजी रोटी दी करके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस कलेशों को बड़े सब बड़े बड़े लोगों से और बड़ी बड़ी आत्माओं से भर दिया करके धन्यवाद करते धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने मुझे इस योग्य बनाया कि मैं आज आपकी प्रार्थना कर पा रही हूँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करके आने वाला समय और मैं अपने आप को आपके हवाले करती हूँ धन्यवाद। और प्यार और सामर्थ आपके यहाँ चाहते हैं, क्योंकि आपका प्यार हमें अच्छा है क्या सच्चाई के मार्ग पे चलाता है, हर एक पापों से हमें बचाता है, हर एक बुराई से हमें बचाता है। आपके प्यार में सामर्थ है और वो सामर्थ हमें चाहिए प्रवेश, ताकि हम आपके आराधना मन से करेंगे, आत्मा से करेंगे, सच्चाई से करेंगे। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश सामर्थ के लिए, इस ताकत के लिए धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन सुनना है, अब शोर 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 शोर। आज देखेंगे हम परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है, परमेश्वर हमारा ध्यान रखता है। कई हफ्ते में क्या देखा था हमने, क्योंकि हम पैदा हुए तो ना पैदा हुए हमको जो जन्म मिला है उसके वजह से ना उदाहरण उदाहरण हमने मैंने पृथ्वी पे जन्म क्यों लिया, मैंने पृथ्वी वही मेरे को फिर आ रहा नहीं था, बोले पृथ्वी पे जन्म क्यों लिया। हाँ, तो हमने क्या पृथ्वी पे जन्म हमने क्यों लिया, तो परमेश्वर ने क्या बताया हमें कि हमारा उद्धार होने के लिए, तो हमारा उद्धार हो गया है, तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ है ना, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा ध्यान रखेंगे। और उससे पहले पास्टर ने क्या सिखाया था, उससे पहले पास्टर आपको सिखाया था कि ऊपर जाने के क्या नीचे जाने के क्या उधर ही कर देते हैं ना, नहीं यहाँ से कहाँ जाए, तीन बात बोला, तीन बात बोला कैसे जाने के क्या जाए, इधर जाए उधर जाए उधर जाए, फिर वही ना एक ऊपर जाता सीढ़ी में इसके बाद एक नीचे जाता एक तो उधर ही खड़ा हो गया तो वो रास्ता कहाँ जाए, उसी रास्ता है उसको उधर ही रुकना है कि आगे चलना है, आगे चलना, आगे चलना, वो तो अपनी अपनी सोच होगी कि कौन सा बात सुनेगा, वो भी खड़े तो घर पे कभी आएगा तो प्रॉब्लम नहीं, ऊपर जाने का बात है सारी। तीन बात क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन हम देखेंगे कि गए हफ्ते में पास्टर ने हमें सिखाया था कि यहाँ से कहाँ जाए हम, यानी कि सामने जाए तो समुंदर है, लाल समुंदर है, पीछे फारो राजा की सेना है,
और बीच में लोग हमारे हैं इजरायली लोग, तो कहाँ जाए? मगर आगे आगे जाएंगे तो परमेश्वर हमें मार्ग निकालेगा, है ना? तो परमेश्वर हमें मार्ग निकाला, यहाँ से कहाँ जाए तो परमेश्वर हमें मार्ग निकालेगा। और गए हफ्ते में हमने क्या सीखा कि मैंने पृथ्वी पे जन्म क्यों लिया, मैंने पृथ्वी पे जन्म लिया इसीलिए मेरा उद्धार हुआ। तो हर एक मनुष्य को पृथ्वी पे जन्म लेना जरूरी है, और जब हमारा उद्धार होता है तो यीशु मसीह के द्वारा ही होता है। तो यीशु मसीह हमारा ध्यान कैसे रखता है तो हम वचन के द्वारा देखेंगे, तो उसके पहले हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश। पवित्र आत्मा आप आपके नए सामर्थ्य मुझे अभिषेक करो, आपका वचन बताने के लिए आप मुझे सहायता करो, मदद करो, मार्गदर्शन करो। इस वचन का स्पष्टीकरण मुझे आप दो प्रवेश, सचमुच पवित्र आत्मा आपकी सहायता से इस वचन को मैं बताना चाहती हूँ, मेरे द्वारा आप बात करो और हम सबको इस वचन को समझने के योग कैसे बनाओ। प्रवेश हमारे आत्मिक कानों को खोलो, आत्मिक हृदय खोलो, ताकि इस वचन को हमारे अंदर हम ले सकें। और इस वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं मगर इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हमें बना। धन्यवाद प्रवेश, इस वचन को तुमने आशीषित किया इसे धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। परमेश्वर हमारा ध्यान कब रखता है? जब हम परमेश्वर के मार्ग पे चलेंगे। जैसे थोड़ी परेशानी आती है तो कुड़कुड़ाने लगते हैं, जैसे लास्ट में बताया था ना कि ये भी अपने लिए कुड़कुड़ा रहा था कि मैं इस धरती पे आया है क्यों। तो हमें सच्चे विश्वास बन के हमें जीना है, सच्चे विश्वास यानी कि सचमुच हम परमेश्वर के भय में चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के योग्य हमें बनना है। तो एक स्टोरी से मैं शुरू करूंगी। एक राजा है और उसके राजा था एक गांव में, और उसके पास डायमंड थे बहुत सारे, असली भी थे और नकली भी थे। तो उसने क्या बोला कि अगर इस डायमंड की परख किसको है मैं देखना चाहता हूँ। तो सब गांव में सबको बुलाता है, तो सब लोग डायमंड कुछ अलग करते हैं, अगर सब लोग अच्छा अच्छे लोग जाने माने लोग यानी कि बहुत अपने आप को माहिर समझने वाले लोग भी आते हैं और उस डायमंड की परख करते हैं, अलग करते हैं, मगर सब लोग गलत हो जाते हैं। एक अंधा इंसान आता है और वो बोलता है कि इस डायमंड की परख मैं करूँगा। तो सब लोग बोलते हैं हाँ ये बड़ा है शाना, आँखों से देख तो दिखता नहीं है, ये डायमंड की परख क्या करने रहा, मगर वो बोलता है कि मैं करूँगा। तो सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं, सब लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि जाने दो अभी, ये अंधे पे ये राजा को विश्वास है ना तो करने दो। तो वो बोलते हैं ठीक है, इन सब लोगों की बात अनसुनी करके मैं तेरे पे भरोसा करके मैं तेरे को बोलता हूँ कि ठीक है डायमंड की परख करो। तो बोलते हैं अभी तो सुबह है ना, इस डायमंड को आप धूप में रखो और मैं शाम को आऊँगा तभी डायमंड की परख करके आपको बताऊँगा। तो दिन भर उसको धूप में रखते हैं, शाम को आते हैं, फिर से सभा जमा होती है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो डायमंड अंधा असली वाले साइड में करता है, नकली वाले साइड में करता है, और जो डायमंड का परखने वाला होता है उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि देखो भाई इसने सारे डायमंड अलग कर दिए है, सच है झूठे कैसा है क्या है, इसने सही किया है काम नहीं किया है जरा बता। तो जो डायमंड वाला होता है वो बोलता है कि ये अंधे ने जो अलग किए हैं डायमंड सचमुच इसने सच्चे वाले अलग किए हैं और झूठे वाले अलग किए हैं। तो सब लोग ताजुब में हो जाते हैं कि हम तो इतने दिमाग वाले हैं, इतने सालों से पैसे वाले हैं, हमको सबसे ज्यादा परख है, हम नहीं कर पाए, तूने कैसे कर दिया। तो अंधे ने बोला धूप में रखने के लिए बोला ना, तो धूप में रखे जो असली डायमंड है वो ठंडे के ठंडे रहे, जो नकली डायमंड है वो गर्म हुए। तो गर्म हुए मैंने दरवाजों को निकाले, जो ठंडे हुए थे वो बाजू को निकाले, जो ठंडे थे वो असली थे और जो गर्म थे वो नकली थे। इसका मतलब है हम विश्वासु असली है ठंडे रहेंगे,
तकलीफ आए, मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए, कठिनाई आए, परेशानी है, जो भी तकलीफ आए, सच्चे विश्वासु है वो टिके रहते हैं प्रभु में। और जो थोड़ा संकट आए तो भाग जाते हैं, यानी कि कोई जरूरत नहीं। कभी अपने बहुत सारे लोग जब बहुत दर्द आता है, तकलीफ आती है, तभी आते हैं हमारे लिए प्रार्थना करो, बहुत परेशानी है हमारे लिए, ये हो गया वो हो गया, प्रार्थना करो, और वो इंसान ठीक हो गया दोबारा वो दिखता ही नहीं। कोई कितने जन तो अपने चर्च में आए कि मेरी वीजा का बहुत प्रॉब्लम है और मैं प्रभु पे पूरा भरोसा है, मैं प्रभु को छोड़ूंगी नहीं, ऐसा वैसा, वीजा का काम हो गया, गायब हो जाते, कहाँ जाते पता ही नहीं है, ऐसे कि वो गर्म हो जाते, नकली लोग है ना। और नकली लोग इनको भी बोल सकते कि थोड़ी संकट आए, थोड़ी परेशानी आए, ऐसा लोग बोलते हैं ना, क्या प्रभु प्रभु करने का है, वो हमें क्या करने वाला है, प्रभु आने के बाद भी हमारे जीवन में तो दुख संकट है ही है ना। हम भी बोलते हैं ना कि अभी हम प्रभु के पास इतने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, दुख संकट आते हैं, मगर ऐसा बाइबल में लिखा ही नहीं है कि तुम्हारे पास प्रभु है तो दुख संकट आएंगे नहीं। प्रभु जब प्रभु जीवित थे तब भी शिष्यों के साथ थे, तभी भी उनके जीवन में संकट आते थे, मगर उसमें से निकलने का सामर्थ्य प्रभु ही हमें देता है ना। हमें तो सच्चे डायमंड की तरह किसको किसको बनना है, तो सच्चे डायमंड की तरह हमें ठंडे रहना है, यानी कि धूप आते तो गर्म होके, यानी कि दुख आते तो गर्म होके, संकट आते तो परेशान होके, हमें प्रभु को छोड़ के जाना नहीं है, प्रभु के लिए हमें कुड़कुड़ाना भी नहीं है, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखता है ना। तो परेशानी आती है, प्रभु हमारे साथ है, फिर भी परेशानी आती है। तो हम वचन के द्वारा देखेंगे, मार्कुस का 4th अध्याय। वो दुख किसकी, देखो प्रभु साथ होता है तभी भी परेशानी आती है। तो हम 4th अध्याय का वचन देखेंगे, 35 से लेके 40 तक, 41 तक देखेंगे, 41 तक देखेंगे, पढ़ो। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे उस नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। जब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, ए गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा, और आंधी थम गई और बड़ा चैन आया। और उसने कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी इसकी आज्ञा मानते हैं? आमीन। आमीन। तो हमने देखा ना कि प्रभु हमारा ध्यान रखता है, ना कि हम कुड़कुड़ाते हैं, परेशान होते हैं, तभी भी प्रभु हमारा ध्यान रखता है। तो हमें कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है कि हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख आते हैं, संकट आते हैं। देखो, हम प्रभु में नहीं थे तो भी हमारे अंदर दुख, संकट, तकलीफ आती थी, मगर तब हम अकेले ही सहते थे। अब हमारे साथ प्रभु है तो प्रभु हमें ताकत देता है, हिम्मत देता है, सामर्थ्य देता है, और उसमें से निकलने के लिए बुद्धि भी देता है, और हमें बुद्धि देके हमें ज्ञान भी देता है कि सचमुच तुम इसमें से निकलोगे। और वो हमारा विश्वास को परखने के लिए हमारे अंदर कुछ भी परेशानी आती है, प्रभु देखता है कि ये कुड़कुड़ाता तो नहीं है, और हमें और एक स्टेप आगे बढ़ाता है। अगर हमारे अंदर, अभी स्कूल में बच्चा जाता है, अगर वो पढ़ाई नहीं करेगा, क्वेश्चन आंसर में उसको जब तक परेशानी नहीं होगी तब तक वो किताब नहीं खोलेगा, किताब नहीं खोलेगा, किताब खोलेगा तब तो पढ़ेगा, तब तो आगे बढ़ेगा। तो वैसे प्रभु चाहता है कि हमें दुख, संकट, क्लेश, जो भी तकलीफ आती है तो हमें
बाइबल पढ़ना है, प्रार्थना करना है और प्रभु के करीब जाते रहना है। ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभु है ना हमारे साथ, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जैसे हमें रोटी खाते हैं हमारे शरीर के लिए, हमारे पेट के लिए, वैसे हमारा आत्मा है उसके लिए हमें रोज प्रार्थना करना है, रोज बाइबल पढ़ना है। अभी पढ़े लिखे जो लोग नहीं है उनके लिए ऑडियो बाइबल भी है यूट्यूब में, जैसे हम बाइबल पढ़ना रोज भी सुन सकते हैं, और नहीं पढ़ सकते मगर रोज बाइबल का अध्याय हम पढ़ सकते सुन सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएं प्रभु ने हमें सब कुछ दिए है, तो हमें जितनी भी कोशिश हो उतनी हमें क्या करना है, प्रभु हमारे साथ है, तभी भी दुख तकलीफ आएगी मगर वो हमारा ध्यान रखता है, इसलिए हमें उसमें से वो जरूर निकालेगा, क्योंकि सब कुछ उसी के पास है, सब कुछ उसी के द्वारा है। तो हमें घबराना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है, क्योंकि लास्ट हफ्ते हमने देखना है देखा है ना कि हमारा इस पृथ्वी पे जन्म क्यों हुआ, हमारा उद्धार होने के लिए। तो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम में हमारा उद्धार हुआ है, तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्लेश संकट सब कुछ आएगा और उसमें से निकलने के लिए प्रभु हमें मार्गदर्शन भी करेगा। तो प्रभु हमारा ध्यान कैसे रखता है, हम बत्ती का 6:45 हम देखेंगे, मरकुस का 6:45 हम देखेंगे। उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि उसने उससे पहले उस पर कि वे उससे पहले उस पर बैतसेबा को चले जाए तब तक कि वह लोगों को विदा करे। उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। तब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरुद्ध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उसके पास आया और उसने आगे निकल जाना चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उसने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढांढस बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। वे उन रोटियों तो क्या कहते हैं परमेश्वर का वचन, तब उसने आश्चर्य करने लगे। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, यानी कि जब संदेश दे रहे थे तो संदेश खत्म हो गया और फिर बोले कि हम दूसरे गांव में जाएंगे। दूसरे गांव में जाने के लिए कहा कि तुम नाव में चलो आगे, मैं आता हूँ। तो वो प्रार्थना करने के लिए गए, और वो नाव में सारे शिष्य अकेले ही थे और ऐसी हवा आती थी और ये लोग ऐसे जा रहे थे, तो ऐसे हवा आती है तो बोट ऐसे जाएगी ना, जैसे वो पतवार जो ऐसे खेते बोले पतवार ऐसे चला रहे थे मगर उल्टी दिशा में नाव चल रही थी, तो सारे शिष्य डर गए थे। क्या कहते हैं, तब उसने तुरंत अपने चेलों से नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया और वे उससे पहले उस पर बैतसेबा को चले गए। तब जब तक कि वह लोगों को विदा करे, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया। जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेला भूमि पर था। जब उसने देखा कि वे खेते घबरा गए क्योंकि वह हवा उनके विरोध में थी, यानी कि प्रवेश प्रार्थना के लिए गए थे फिर भी उनका ध्यान लोगों के ऊपर था कि अभी कुछ ना कुछ होगा और सारे शिष्य डर जाएंगे, मगर उनकी प्रार्थना खत्म होने के बाद प्रभु उनकी नाव समुद्र के बीच में थी और प्रभु प्रार्थना करके तुरंत पानी पे चल के उनके पास गए, यानी कि
प्रभु यीशु हमारा ध्यान रखते हैं, इसीलिए पानी पे चल के तुरंत हमारे जान बचाने के लिए आए, यानी कि उनको हमारा ध्यान है, हमेशा वो हमारा ध्यान रखते हैं, इसलिए प्रभु यीशु पानी पर चलकर आए। यानी कि कोई ऐसा होता ना, अभी इतने दूर पे है प्रभु यीशु, वहां पे है, कैसे जाएंगे, मगर उन्होंने हमारे लिए पानी पर चल के आए और उन सबको बचाया। तो प्रभु यीशु हमारा ध्यान रखते हैं, इसीलिए हमें हर बार प्रभु पर निर्भर होना चाहिए। अब नूहम का किताब निकालेंगे, पहला अध्याय सातवां वचन, नहुम पहला अध्याय सातवां वचन क्या कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दूर गत ठहरता है और उस अपने शरण गतों की सुधि ले रखता है। क्या कहता है, यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और अपने शरणागतों की सुधि रखता है। यानी कि शरणागतों की, यानी कि हमें जो भी हम उसके विश्वास है, जो भी हम उसके चेले हैं, जो भी हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं, जितने भी चुने हुए लोग हैं, उनकी वो सुधि रखता है, यानी कि वो हमारे ध्यान रखता है, हमारा जब वो ध्यान रखता है, यानी कि जितने भी हम उसके यहोवा भला है, संकट के दिन में वह दृढ़ गढ़ ठहरता है और वो अपने शरणागतों की सुधि रखता है। तो परमेश्वर हमारा हमेशा ध्यान रखता है, तो हमें क्या करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखे चलना है, क्योंकि वो ही सब कुछ हमें, हर एक सहायता वही से है, हर एक भलाई उसी से है, हर एक अच्छा काम उसी से है, हर एक आशीर्वाद उसी से है। तो हमें हमेशा परमेश्वर पे निर्भर होना चाहिए। निर्भर होने के लिए भी परमेश्वर के वचन के द्वारा ही प्रभु हमें सिखाता है। तो हम देखेंगे भजन संहिता 23वां अध्याय 6 वचन, 6वां वचन, भजन संहिता 23 अध्याय 6वां, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। क्या कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सदा सर्वदा वास करूंगा। कब, जब हम परमेश्वर पर निर्भर होंगे तब परमेश्वर हमारा ध्यान रखेगा। जब हम प्रभु पे निर्भर होंगे तब वो हमारा ध्यान रखेगा, जब हम उसके करीब जाएंगे तब वो हमारा ध्यान रखेगा। तो कौन कौन चाहता है कि प्रभु हमारा ध्यान रखे, हम सब चाहते हैं ना, तो वो हमारा ध्यान रखे, उसके लिए हमें क्या करना है, उसके रास्ते पे चलना है, बाइबल पढ़नी है, तो परमेश्वर के वचन समझ परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है, मेरे पास आओ, प्रार्थना करो और सारे आशीष पाओ, जो भी है मुझ पे निर्भर रहो, क्योंकि हर एक बातों से, हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से, हर एक बीमारी से वो ही हमें बचाने वाला है, क्योंकि वो हमारा ध्यान रखता है। तो जब हमने पृथ्वी पे जन्म लिया है तो हमारा उद्धार हुआ है यीशु मसीह के द्वारा, तो यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा जीवन है, वो हमारा ध्यान रखेगा जब हम उसके मार्ग पे चलेंगे तब। आमेन। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर वचन के लिए प्रभु यीशु में धन्यवाद देते हैं। इस वचन को तूने हमें हमारे अंदर आत्मा में बहुत आयत से आशीषित किया, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम इस वचन को अनसुना न करके प्रभु तेरे वचन के द्वारा तो चलने के योग्य हम सबको बना, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। इस वचन को प्रभु
सचमुच हम भूले नहीं विवेश, क्योंकि तू साथ होता है तभी भी संकट आते हैं, मगर उस संकट में से तू हमें बचाता है विवेश, क्योंकि तू हमारा ध्यान रखता है विवेश। और जब हम तेरे पे निर्भर रहते हैं विवेश, तभी जीवन भर भलाई हमारे साथ रहेगी और हम आशीषित जीवन भरा पाएंगे, आशीषित भरा जीवन हम पाएंगे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन।